ओके डन बाय। எல்லாருக்கும் இருக்கா? அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நான் கொடுத்துக்கிறேன் சோடா. பார்த்தா பாவமா தெரியுது சார். நான் யாரு ஐயா? இந்த ஸ்டேஷன்ல நான் யாருந்தான் கேக்குறேன். ஐயா சிஐ. நீங்க யாரு? கான்ஸ்டபிள். அந்த ஞாபகம் எப்பவுமே இருக்கணும். பார்த்தவங்களா பாவமா தெரியுதா? யாரா எங்களா போலீஸ்ல சேர்த்தது? நான் வீட்டில் இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வந்தப்போ காலையில் 6 மணி. பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டப்போ 11 மணி. லஞ்ச் சாப்பிட்டப்போ 3:30 மணி. எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போய் பொண்ணு கூட டின்னர் சாப்பிட்டு தூங்கலான்னா அதுக்குள்ள உங்களை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க. இப்ப நான் ரொம்ப டயர்டா இருக்கேன், செம கடுப்புல இருக்கேன். இப்ப சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஓவரா சீனு போடாம நடந்த உண்மைய சொல்லிட்டா உங்க எல்லாருக்கும் பிளாக் டீ வாங்கி கொடுத்துட்டு என் பாட்டுக்கு நான் போயிட்டே இருப்பேன். ஐயா, நாங்க யாருமே எதுவுமே பண்ணல ஐயா. சத்தியமா சொல்ற ஐயா, நாங்க ஒண்ணுமே பண்ணல ஐயா. முகத்தை பார்த்தா பயம் தெரியுது, ஆனா உள்ள ஒரு சொட்டு பயமும் இல்ல. என்னடா பெரிய நடிகை நானி, நாங்களும் நடிகர் தான்டா. ஏற்கனவே இங்க கட்சி பிரச்சனை, உள்ளூர் பிரச்சனை, 1000 பிரச்சனை இருக்கு. அதையே சால்வ் பண்றதுக்கு நமக்கு டைம் பத்தல. அதுக்குள்ள ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங்கா? டை சொல்டா, இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? உண்மைய சொல்லல. சார்
Started my new job at Dubai. Need all your prayers and blessings. इसे भी नौकरी मिल गई. फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर देता हूँ. ये सब देख के दिमाग ही खराब हो जाता है. कितना फालतू टाइम है, जब देखो फेसबुक पे फोटो डाल दे. फालतू बैठ के खुद से बातें कर रहे हो, कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं, सोचा तुम आओगे तो साथ में काम पे जाएंगे. मेरे आने पर? हाँ. है? तुम बताओ आज कहाँ काम पे जाना है? क्या कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ जाने की बात कर रहे हो? अरे बताता हूँ, कहता पन्ना में तेरी वो रहती है, उसी के घर चले क्या? वहाँ पर हमें बहुत काम मिलेगा. भाई तू कहीं मत जा, यहीं रहे फालतू में. काम के बारे में क्या पूछा, मेरे ऊपर ही चढ़ रहा है. चल चल निकल. हाँ जा रहा हूँ, तेरे जैसा बेकार नहीं हूँ. काज का घर वालों पे बोझ बन के बैठा है. हो गया, अब जाओ जाओ. धूप निकल आई लेकिन ठंड कम नहीं हुई. आप ऐसे आ गए, काली बिल्ली की तरह रास्ता काटने आ जाते हो? काली बिल्ली के पास भी काम होता है, लेकिन तेरे पास क्या बोला? अरे छोड़ना, रहने दे, तू बस घूमता रहे. अखबार दे दिया ना, चलो निकल. हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ. मैं भी क्या भैंस के आगे बिन बजा रहा हूँ. इंग्लिश पेपर, बड़ा अंग्रेज के औलाद बना, इंग्लिश पेपर पढ़ेगा. इसकी क्लास लेता हूँ. कुड़ी बोल. हाँ आगे. नाश्ते की जगह बिस्किट खा रही हो, कहाँ है वो? कोई उठाकर नहीं ले गया तो बिस्तर पर ही होगा. लोग उठाएंगे तो फायदे की चीज उठाएंगे, ऐसी घटिया चीज कौन उठाएगा? तुम जाओ जाकर उठा लो. कौन है कुन्योमोल? और कौन, आज बुधवार है ना, सुबह ही पहुँच गए हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ये तो सुबह सुबह आ गया, लेकिन हमारे लाड साहब की अभी तक सुबह नहीं हुई. अरे मेरी प्यारी आंटी जी, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होता है और आगे बढ़ने की चाहत होती है, वही लोग तो जल्दी उठते हैं. अरे तुम तो बहुत ज्यादा बदल गए हो. आंटी जी एक कॉफी हो जाए, मैं जाके आपके लाडले को उठाता हूँ. उठ बे. अबे उठना यार, सुबह सुबह दिमाग मत खा यार. हो चुकी, कब तक सोएगा? उठ उठ. अरे सोने देना यार, ऐसे ही घोड़े बेच के सोता रहेगा तो मैं सात समंदर पार कैसे जाऊंगा? तैर के चले जाना था. बेटा तुझे अभी मैं तैराता हूँ. सुबह सुबह तेरे को अबे कोई और काम नहीं है? गुस्सा क्यों हो रहा है? सुबह सुबह मुंह पे पानी मारेगा तो गुस्सा करूं या चुम्मा दो? चुम्मा दोगे, जो बताना आया हूं सुनोगे तो चुम्मा भी दोगे. मैं पागल हूं जो तुझे चुमूंगा. अरे यार पहले तो उठना. छोड़ यार, मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं. तुझे अंदर कुछ पहना नहीं है क्या? हाँ चड्डी अंदर संभाल के रखी. स्त्री मार के अलमारी में रख. अरे यार फोन भूल गया. आंटी जी कॉफी बन गई? इससे तो मैं जगाऊंगा. 2000 रियाल यानी हमारे यहाँ के कुछ 40,000 हुए. मुझे नहीं करनी ये नौकरी, इससे अच्छा तो मैं यहीं पे जीप चला लूँ. अरे तो कल के करेंसी रेट के हिसाब से मत लगा, आज के रेट से देखना. चुप करके बैठ, हिसाब मत सिखा. इस नौकरी पर लगने के बाद हम दोनों वहाँ इससे अच्छी नौकरी ढूंढ लेंगे. अच्छा मतलब चाय के टपरे पे जाके कॉफी मांगेगा? अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ रहा है? फिलहाल तो दिमाग मत लगा और कॉफी पी. ये लो, तुम्हारी विदेश की नौकरी का क्या हुआ है? अब क्या बताऊँ आंटी जी, आपका बेटा कम सैलरी में काम करने को तैयार ही नहीं है, बड़ा आदमी है ना. सुना हाँ? मुझे भी कॉफी देना. क्यों, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है? जाकर खुद ले लो. ओ, कम सैलरी में विदेश जाके मेहनत करने का फायदा? वहाँ भी उतना ही पैसा मिलना है तो यहीं रह के कमाएंगे. हाँ, इसीलिए आपके बेटे को ले जाने का प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया, मैं अकेले जाऊंगा. अकेले जाने की भी तो कोशिश की थी ना, लेकिन फायदा क्या हुआ? मेहनत का पैसा चोरों को दे दिया तुमने. फिर भी अकल नहीं आई इसे. तू भी किसी अरबी का गुलाम बन के रहेगा बता रहा हूँ, अगर बिना इंक्वायरी के गया तो. हाँ बेटा दोनों एक जैसे. ओ गया, चमक गया. अब जरा गर्दन टेढ़ी कर. एक काम करते, चमटी भी कर दू तो मस्त लगेगा. टकली जरा झुकाओ तो. एक बार चमटी हो जाएगी ना तो रात को ऐसी नींद आएगी कि पूछो मत साहब. मेरा दिमाग तो नहीं घूम जाएगा. अरे साहब ये जो गर्दन है ना, इसे जरा एकदम थोड़ा सा ऐसा घुमा दू तो मजा आ जाएगा, एकदम आराम मिलेगा. आवाज आई कि नहीं? हाँ ये वाली आई. दोनों साइड आई, मजा आ गया ना. ऐसी चंपी आपको इसी दुकान में मिलेगी, जरा बाजू की दुकान में जाकर देखिए, चंपी के नाम पे आटा गूंथता है. बटन लगा देता हूँ. जरा एक बात बोलू साहब, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा लेकिन
जरा आईने में देखिए तो एकदम हैंडसम लग रहा है। 5 साल छोटा लग रहा है। अरे क्या 5-10 साल छोटे लग रहे हैं आप। अब आप जीप में जाकर बैठिए तो 110 की स्पीड से दौड़े जी। कितने की? 110 की स्पीड से। अरे कटिंग और शेविंग का पूछ रहा हूँ। अच्छा ये पूछ रहे थे 120 में। आप हमारे गांव के, इसलिए कम ही लगाया। अरे लुई कहाँ जा रहा है? दीदी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा छोटे पैसे है ना? ठीक है चल। आपको कस्टमर कहाँ से मिला? अपनी वो होम स्टे चलाने वाली ग्लोरिया है ना, उसका कस्टमर है। अरे फिर तो बाहर का कस्टमर है, हफ्ते भर तो रहेगा ही, डील कर लेते हैं। ढक्कन, एक दो दिन का ट्रिप होता तो डील कर लेते। एक हफ्ते की बात है। अबे क्या खा के सोया था, जब से उठा नेगेटिव बातें कर रहा है। मुंह बंद कर बे। इसलिए तुम दोनों का कभी कुछ नहीं होता। भाड़ा नहीं है, भाड़ा नहीं है, रोना रोएंगे। और जब इनको भाड़ा मिलता है तो इनको जाना नहीं है। अब परसों साजन की शादी है दीदी, मेरे बिना शादी कैसे होगी? ओ साजन की शादी है? साजन कौन है, तेरा जीजा? समझाओ ना इसे दीदी। फंक्शन में जाके क्या करोगे, पढ़े ही रहोगे ना। अरे दीदी दोस्त की शादी है, मैं भाड़ा लेके निकल गया तो लोग क्या कहेंगे, बातें बनेगी, खराब लगेगा। राम भैया एक मिनट आएंगे। राम भैया एक हफ्ते का भाड़ा ले जाएंगे। क्या? सिर्फ एक हफ्ते के लिए। लेकिन बेटी मेरा स्कूल का भाड़ा है, तुम्हें तो पता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, फिर घर लेकर आना है, बहुत सारे काम है। तुम क्यों नहीं ले जाते? वो साजन की शादी है ना भाई। बेटी हफ्ते भर का तो नहीं हो पाएगा। एक साबुन ले। ये लो, चने का, ताकत आएगी। ठीक है, ये भाड़ा और कौन ले जा सकता है? ए सनी सुन, क्या है? एक हफ्ते का भाड़ा है, लेके जाएगा? दूसरा भाड़ा है लुई। देखो इस गांव में और भी गाड़ी वाले बहुत हैं। अगर तुम लोगों से काम नहीं होता है तो गाड़ी बेच के जो पैसा मिले उसे दूसरा काम धंधा ढूंढ लो। अरे लुई गाड़ी बेचनी है क्या? कस्टमर रेडी है? दे, तेरी जो गाड़ी जमा होके रखी है वो तो छुड़ा ले, फिर मेरी गाड़ी की तरफ देखना। मैं तो बस पूछ रहा था, खाली पकड़ गुस्सा हो रहा है। चल मिलता हूँ दीदी। हाँ जा जा जा। साहब बन के कैसा लग गया, कम से कम 100 रुपए की तो लगनी चाहिए। देखो कितना लगा, कैसे लगा। क्या कर रही है, देखता नहीं है? क्या हुआ? जरा हटो, लॉटरी के नंबर देखने दो। लेकिन यहाँ से तुमने टिकट तो नहीं लिया था ना? पता मैं यहाँ से क्यों नहीं लेता टिकट? क्योंकि तुम एकदम पनौती हो, अनलकी। अच्छा। इसीलिए तो उसी दुकान से लेता हूँ। मैं लकी नहीं हूँ ना? हाँ। तो जाओ ना वही जाके अपना रिजल्ट देख लेना। अरे रिजल्ट देखे भाग गई, इसीलिए तेरा पति भी तुझे छोड़ के भाग गया। तुझे क्या है? चीजें क्या है? चाय की टपरी क्या खोल दी, इतरा गई है? चाय मिलेगी। अरे सुनो चाय पीने आए हो? अगर यहाँ चाय पियोगे ना तो इतने लूज मोशन लगेंगे कि लूज हो जाओगे। आओ मेरे साथ, अच्छी चाय पिलाता हूँ। मैं नहीं कहीं की। हाँ जा रहा हूँ, पहले मैं आपके बाल काटता हूँ, फिर चंपी करता हूँ, इसके बाद चाय पिलाता हूँ। दोबारा उधर मत जाना। अरे साबुन दे जरा। अरे देना जल्दी, कब से मांग रहे? पकड़ ला फेंक। अरे भाई। हाँ बोल। आज ही है ना वो MLA ऑफिस के अंदर किसानों के साथ आप धरना देने जा रहे थे ना? अब वो MLA ऑफिस की जगह कलेक्टर ऑफिस के सामने होगा। अच्छा। और 5-6 दिन चलेगा। मैं बस मुंह दिखाकर आ जाऊं काफी है। पिछले धरने के लिए जीत दी थी, उनसे कैश मांगा था, चेक भी नहीं मिला। हाँ। याद है कि भूल गए भैया? हाँ। 24 घंटे साथ घूमने वाले ने मुझे कभी चाय तक नहीं पूछी, और तुझे पैसे चाहिए? बेटा सुदीश बात ऐसी है, फल की इच्छा किए बिना काम करने वाले को ही समाज सेवक कहते हैं। अच्छा समझ गए ना, इसीलिए तो चुप बैठा हूँ। ऋषि भाई देखो हम लोग तो समाज सेवक नहीं है, तो इस बार अगला पिछला सारा चुका देना। हाँ, तो मैं काम करूँ, अपना हिसाब लिख कर रखना, सब एक साथ चुका दूंगा। अरे लिख के तो सारा रखा है भाई, लेकिन वो मिलेगा कब? आवास योजना की जमीन बटेगी तब। तब तो मिल गया समझो। तू चुप रह भाई, पैसा डुबाना मत। अरे नहीं लुई मैं हूँ ना। अरे उसी बात का तो डर है। बस क्या, क्या? ये तू जा रही है। बी केयरफुल दीदी, वाटर फुल है। ओके। साबुन दे। अरे देख देख देख, देखना यार, देखना क्या है। रेडी? हाँ खींचो खींचो। वाओ सो ब्यूटीफुल। खींचा? या ओके कम ऑन। ए अबे बुला क्यों रहा है? ए सुनना यार, भी बिना ये क्यों बिना रुके चला गया? अच्छा ही हुआ चला गया, ऐसे नंगे पोंगे क्या बात करता। सच में साथ में वो लड़की कौन थी? इस गांव में टूरिस्टों की कमी है क्या? सही कहा भाई आप। हाँ एक एक पैक और बनाओ। हाँ गिलास। दु दु दु। ए क्या है?
तू पिएगा? मुझे तुम लोगों ने अपना बारमैन समझ के रखा है क्या? मेरे को नीचे। हाँ, उसका हिस्सा मेरे में डाल दो, आराम से। सर मुझे भी है? इसका भी डाल दो। बस। अरे क्या कर रहा तू? सुन, कब से साइकिल के पीछे पड़ा है? पढ़ाई नहीं करनी है? ये बस हो जाएगा अभी। चलो ठीक है, लेकिन काम तो हो जाएगा ना? टेंशन लेने की कोई बात नहीं। लक्ष्मी, चाय है क्या? चाय बाद में पी लेना। दूध ही नहीं है। चलो तो काली बना दो। अच्छा, कॉफी के भाव पे खरीदने वाले तो होना ही। अच्छी है, लाओ मुझे। ए सुन, तेरे वो इलेक्शन का प्रचार कहाँ तक पहुँचा? इलेक्शन का प्रचार? हाँ, उस दिन जब बुलाया था तो उम्मीदवार की तरह हाथ दिखा के चला गया। ओ, वो बात? वो तो मैं हैना दीदी को कुछ जगह दिखाने ले जा रहा था। हैना दीदी? कौन है ये हैना दीदी? मम्मी ने तुम लोगों से भाड़े की बात की थी ना? हाँ? वो इसी दीदी के लिए की थी। वो ना अफ्रीका से आई है। अफ्रीका से गोरी लड़की? हाँ? ए दीदी, गोरी अफ्रीकन लड़की? दीदी दीदी दीदी, ये अफ्रीकन ट्रिप हमारा था ना? अरे ए, जा। ये लो चाय। दीदी पूछ। अरे बताओ ना। अरे ये तो सुनी नहीं रही है। दीदी जल्दी पूछ, बताओ ना। दीदी क्या है? वो लड़की जो है ना, वो कनन के साथी, वो अफ्रीका में कहाँ से है? दीदी हाँ, वो अफ्रीका से कहीं। जबोटी जीजी, नाम क्या था बेटा? जिबूटी। हाँ वैसे आई है वो लड़की। पहले बताना था ना, उसको फोन करके बता दो, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। तुझे शादी में नहीं जाना? शादी में जाऊंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? मम्मी मैं भी जाऊंगा इनके साथ। ए सुन बेटा, पहले अंडे से बाहर निकल। भूल गया, साजन की शादी है। छोड़ साजन को, वो तेरा जीजा है, चुप करके रह। क्यों दीदी? अरे रे रे रे, सुबह तो बोला था शादी में नहीं जाएगा, तो शादी कैसे होगी? वैसे दीदी, ये अफ्रीका वाली बहुत पैसे वाली पार्टी है क्या? अफ्रीका में कोई मैनेज, वो मैनेज क्या है वो बेटा? एचआर मैनेजर है। हाँ हाँ, वही एचआर। एचआर मैनेजर अपना जुगाड़ कराएगी, समझ गया? गाँव घूमना चाहती है, इसलिए जीप के बारे में पूछा था मैंने। अरे हम है ना, मतलब हमारी गाड़ी है ना? हमारी गाड़ी है ना। और नहीं तो क्या? अचानक ये जोश कहाँ से आया तुम दोनों में? अब किस मुंह से बोलूं, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं बची है। ये बोलना यार। दीदी कर दो ना हमारी मदद। हाँ दीदी प्लीज। हाँ ठीक है, देखती हूँ। नहीं देखती हूँ नहीं, अभी फोन करके बोलो। बोलो ना दीदी। ठीक है, बोलती हूँ। तो कल सुबह ग्लोरियस होम स्टे हम लोग पहुँच जाएंगे। हाँ अच्छा, भूलना मत दीदी। ठीक है। मैं मदद करूँ? मेरा लड्डू मुझे क्या है? ये अंदर रखो। अरे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से। तो कल सुबह। हाँ, भूला आ, नहीं है। हाँ ये लो दीदी। हाँ हाँ, अब चल जल्दी आ। दीदी ये नीचे गिर गई थी। दीदी हटिए, कहाँ रोको? गाड़ी सही रोको लगा तो। हाँ ठीक, लाओ इधर से। कमर के 12 बज गए। आई आई, सब लोग पहुंच गए क्या? नहीं, कुंजर चंद के रिश्तेदार थोड़ा दूर रहते हैं, आने में थोड़ा वक्त लगेगा। बेनी भैया आ रहे हैं क्या, कुछ पता है? एयरपोर्ट पहुंचे हैं, अभी आ जाएंगे। अच्छा, बस एक बार आ जाएं तो। कुंजर चंद को इंतजार करना पड़ेगा। नसीब देखो कुंजर चंद का, जीते जी भी बेटे की राह देख रहे थे और अब मरने के बाद भी वही कर रहे हैं। वो आएंगे तब आएंगे, हम जाकर फूल चढ़ाते हैं। ये ले लाओ। मैं जरा देख कर आता, मैं जाकर आता। अरे पॉल सुनना, रुकेंगे नहीं, बस देख कर। मैं भी यही सोच रहा हूं, मुझे भी जाकर दुकान खोलना है। हाँ वो देर हो गई क्या? चिंता मत करो, बहुत वक्त है, बेनी के आने के बाद ही ले जाएंगे। तो मैं देख कर आती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह को हमारा नमन। आमीन। इस भूमि पर मनुष्य की शांति और समृद्धि बढ़ती रहे। आमीन। स्वर्ग में रहने वाले हमारे पिता, आपके नाम की कीर्ति बढ़ती रहे, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे भूमि पर भी पूरी हो जाए। हमारी दुनिया को जरूरी पोषण देना, हमसे गलत करने वालों को हम जैसे क्षमा करते हैं उसी तरह आप हमारी गुनाहों को माफ करना, प्रलोभन में हमें फंसने न देना, बुराई से हमें बचा कर रखना,
धन्य है तेरे स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो हम पापियों के लिए अभी और हमारी मृत्यु के समय। इतना नजदीक रहती हो फिर भी अब आ रही हो। चढ़ान चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, पैरों में दर्द रहता है ना। साथ जाएंगे, चुप रहो। अच्छे कर्म तुम करते रहो। हाँ हेलो, मैं ना कुंजन के अंतिम संस्कार में आई हूँ। अच्छा, बाद में फोन करती हूँ। सीजॉय का फोन था दुबई से। समझ गई, वहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना। हाँ, एसी में बैठने वालों को कैसी गर्मी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम दोनों के बच्चे गाड़ी चलाते हैं ना। आपको जब पता है तो यहाँ बोलने की क्या जरूरत है। नहीं, सोचा सीजी से बात करके वीजा दिलवा दूँ। आप कुछ भी मत करना, वो अपना वीजा खुद बना लेंगे। देखो कैसे बात कर रही है। कहाँ है दोनों, दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें भाड़ा मिला है ना, तो वो उन्हें लेकर गए हैं। भाड़े के नाम पे दुनिया भर घूम रहे होंगे। को छोड़ दो, व्याकुल होकर क्यों तुम चल रहे हो। यू नो एबी डिविलियर्स? नो। जॉन्टी रोड्स, लांस क्लूजनर? आर दे योर फ्रेंड्स? सबको नहीं जानती तो गाय के साउथ अफ्रीकन। साउथ अफ्रीका नहीं, आई एम फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। हिंदी बोलती हो? कहाँ से सीखी? नहीं, वो हियर इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हम सबको जानते हैं। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ममूटी मोहनलाल, इन सबको हम अपना ही समझते हैं ना, इसीलिए पूछा। साउथ अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका के बीच बहुत डिफरेंस है लुई। ओ अच्छा, ओ जो भी हो, आपको हिंदी आती है और मस्त बोलते हो। स्टॉप 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 स्टॉप, रिवर्स रिवर्स लेना आपको, मैं साइड में लगा। वाओ, लुक एट दैट, सो गॉर्जियस। ये ना या तो कुछ भी नहीं है, फोटो लेने के लिए जबरदस्त जगह है मेरे पास। हाँ, Where? वहाँ चलेंगे आप। Okay, let's go. आइसक्रीम खाओगी? नहीं, ठीक है मैं खाता हूँ। भैया फोटोकॉपी हो गई? हाँ हाँ हो गई सर। हाँ वो हाँ, पैसे सारे पेज किए हैं ना? हाँ कर दिए। कितना हुआ? 20 रुपए सर। थोड़ा अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ सेल्फी लेनी है। अरे सर नजदीक आना। ठीक है यार, स्माइल, जब देखो तब मुंह बनाती रहती। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या हो? एक फोटो निकालेंगे प्लीज। एक ही चाहिए, बस एक ही। भैया फोटो अच्छे से निकालना। सुनिए, सेल्फी नहीं, हम दोनों की फोटो निकालनी है। भैया थोड़ा वाइड में लेना, मतलब ये पूरा बैकग्राउंड है ना, वो पूरी बैकग्राउंड दिखनी चाहिए। वो पाइनएप्पल मुंह में ठोस, फोन क्यों नहीं उठाता? हां अच्छा लग रहा। हां भाई साहब, पास में पास में, एक एक रेडी, हम फ्रेम में आ रहे हैं। अच्छा है ना? हां सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इतना भी पास नहीं आना था, वाइड शॉट। हाँ। क्या टाइम पास कर रहा है, चलना। अरे भैया एक फोटो तो ले लीजिए, काम है दीदी। अरे किसका भैया, मैं बस इनकी फोटो ले रहा हूं। चलना काम है। अरे भाई साहब यार, तू फोन तो वापस दे यार। पेपर कहाँ है भैया? फोन फोन फोन, सॉरी। तो तूने उससे हमारे अफ्रीका जाने के बारे में कुछ बात की? अरे चांस तो मिलना चाहिए। वाह भाई साहब, को चांस ही नहीं मिला। देख मैं तो बायोडाटा की कॉपी भी ले आया। और पासपोर्ट? हाँ वो भी लाया हूँ, ये देख। हाँ चला, पहले आराम से पहचान हाँ। बढ़ाएंगे, फिर चांस मिलते ही बात करेंगे। हाँ, चला जा। हेलो, हाय। फोटो लिया ना? यस। बड़ी खूबसूरत जगह है। या ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत फेमस है। ब्यूटीफुल। ये दोस्त है, दोस्त है, क्लोज फ्रेंड। हाय हैना, एबी प्लेजर। हो गया, आपको वेलक्कुमला देखने में पूरे 2 दिन लगेंगे, लेकिन हम लोग 5 दिन में आराम से देखेंगे। क्या बोल रहा है तू? ऐसे हिंदी में बात करेगा तो उन्हें क्या समझ में आएगा? लुक मैडम, एक्चुअली यू नो नीड 5 डेज वॉच दिस, ओनली टू, जरा समझाना यार। हिंदी मुझे बोलनी आती है अभी।
ये बुद्धू है, इसे नहीं पता आपको हिंदी आती है, हिंदी समझती है। Actually, Louis, जी बोलिए ना। I'm not here for sightseeing. तो I want to meet somebody. कौन? Who? Djibouti में मेरे साथ रहने वाली one friend is here, Sharon. अच्छा, लड़का है लड़की? Girl. लड़की है। We were together for 5 years. And she taught me to speak Hindi. बहुत अच्छा सीखा। बहुत बुरा हुआ। क्या बोली वो? But since past 2 years, there has been no contact, no phone calls, nothing. Oh, अच्छा। मुझे उसे मिलना है। मिलेंगे? मिलवाएंगे ना? एड्रेस उनका है ना आपके पास? ओह यस, आई हैव हर एड्रेस। एड्रेस है तो टेंशन नहीं है। एंड हर फोटो, लेट मी शो यू। ढूंढ लेंगे। वन सेकेंड। जरा दिखाइए। या, दैट्स द एड्रेस एंड दैट्स हर फोटो। क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल। ये तो पास में ही है। हाँ, फटाक से पहुंचेंगे। क्लोज क्लोज। हाउ फार? हियर हियर ओनली। हाउ मच टाइम? बता दो ना। ये टाइम तू बता। इस एरिया की जानकारी इसको है ना, इसीलिए। इस लड़की को तो मैं जानता हूँ। ओके, वी कैन गो। हाँ चलो, कल ही चलेंगे। या बिल्कुल मैडम। ओके, थैंक यू। फोटो निकालिए ना। श्योर। छोड़ना, उसका फोटो लीजिए। तू क्या घड़ी घड़ी हाथ पकड़ रहा है बे? उसे अच्छा नहीं लगेगा ये सब, कुछ भी करता रहता है। ओह, ये देना तो भूल ही गया। रख इसे, अंदर रख। अरे खराब हो जाएगा, नाक कटवाएगा। उधर का व्यू अच्छा है। हाँ, वो उधर। ये भाड़ा तो हमने छोड़ ही दिया था। हमारे दोस्त की शादी थी ना, लक्ष्मी दीदी ने रिक्वेस्ट किया तो मना नहीं कर पाए। बहुत रिक्वेस्ट किया लक्ष्मी दीदी ने। थैंक्स। अरे नो मेंशन। आपका होटल वगैरह ठीक है ना? वेरी नाइस। अच्छा नहीं होगा तो दूसरी जगह ढूंढ के देगा क्या? चुपचाप सामने देख, गाड़ी चला। मस्त गरम भुट्टा मिलता है, खाओगे आप? ओके। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या? रास्ते में हर जगह रुकने की तूने कसम खाई है क्या? ये उन्होंने ये सब खाया नहीं होगा ना। क्या तुझे खा ले? गरम गरम भुट्टा खाइए। लेट्स गो। भुट्टा खिला रहा है। समझ गया मैडम, तू नहीं खाएगा? कोल्ड नहीं चाहिए। ये भुट्टा है, ये देखिए दीदी, अच्छे से पका के देना। यहाँ से किधर जाना है? लेफ्ट जाना है कि राइट? रुक रुक रुक, क्या कर रहा है यार? जीपीएस बंद हो गया। सत्यानाश, मैंने कहा था ना किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। ए, जरा चुप रहेगा। बड़ा आया जीपीएस वाला। हाँ, मिला क्या? यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आगे जाकर बाएं मुड़ेंगे और 2 किलोमीटर और जाना है तो पहुँच जाएंगे ना? नहीं नहीं, तो फिर? फिर वहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाके दाएं मुड़ना है। ये सही रास्ता है ना? हाँ, यही सही रास्ता है। जाके गाड़ी में बैठे, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी पहुँचने की। अब तुझे क्या हुआ? बैठना। ओ हाँ, तुझे तो भुट्टे खाते खाते पहुँचना है ना। जल्दी पहुँचा दे, मुझे जरूरी काम है। देख, एप्पल ऑरेंज सब सड़ रहे हैं, तो फिर छील के खा जा।
हाँ वो सब याद है, मैं बता दूंगी। हाँ यहीं पर है, मैं देती हूँ। हाँ लीजिए, बात कीजिए। कौन है? मातृकुटी है, आप जरा बात कीजिए ना। हेलो। एड्रेस के हिसाब से तो यही घर लगता है ना? अरे देखने से ही पता चलता है यही घर है। मैं बाद में फोन करता हूँ। इन लोगों से पूछते हैं। अरे रुक रुक। आना, आप शेरिन के मम्मी पापा है ना? हाँ है। हाँ। तुम लोग कौन हो? ये वो जिबूटी में आपकी लड़की के साथ काम करती थी है ना? हाँ ना बेटी, हमारी शेरिन हमेशा तुम्हारी बातें करती है। हाँ, वो कहाँ है आंटी? अंदर है। शेरिन बेटा बाहर आ रही। खुश क्यों हो रहा है, दिवाली है क्या? है ना तो शेरिन, तुम यहाँ? Osama, I missed you. How you been? Good. Why didn't you contact me for so long? Oh, I couldn't. Say, you come here, you mumonke. Oh, I missed you too. Good. Which month? Seventh month. Congratulations. तुझे आने में जरा सी देर हो गई बेटा। चल वो चलो। कोई बात नहीं। आजा। How did you find a home? They helped me. Oh. Hi. Hi. Louis. Careful. Hi, Louis. यहाँ हम पहले आ चुके हैं। आहा। ये मेरा दोस्त, एबी। Hi, एबी। ये आपके लिए फ्रूट्स। फ्रूट्स लाने की क्या जरूरत थी? ऐसे वक्त में फ्रूट्स खाना अच्छा रहता है ना? इसे फ्रूट खाना पसंद नहीं है। अब इनका जूस बना के पी ले। तेरे बाप को जाके पिलाऊंगा। क्या हुआ? नहीं नहीं, आप दोनों तो खा सकते हैं ना फ्रूट्स। और नहीं तो क्या, वेस्ट थोड़ी ना कर सकते। भाई अब मुझे दो बेटा, तुम वो ले लो। दे रहा हूँ। दीजिए। शुक्रिया अंकल आंटी। हम लोग चलते हैं, बहुत जरूरी काम है। ऐसे कैसे जा सकते हैं? कितने सालों बाद मिली हूँ मैं इससे, ऐसे नहीं जा सकते आप। हाँ लुई। अरे कोई जल्दी नहीं है, दो दिन बाद भी जा सकते हैं। आंटी के हाथ का खाना खा के जाएंगे। खाकर ही जाना पड़ेगा तुम लोगों को। क्यों? मेरी तो भूखी मर गई। अच्छा शेरिन, तुम्हारी कोई बहन बहन नहीं है? नहीं। शेरिन हमारी इकलौती बेटी है। ओहो, ये आपने बहुत अच्छा किया। फिर तो खाने पीने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, हम लोग खाना खा के ही जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं बेटा, चलो। अबे कौन सा बड़ा काम है तुझे? मुझे नहीं रुकना, तो अकेले जा। हाँ चला जाऊंगा। तुम जल्दी खाना बनाओ। अरे अंदर आ रहा है। वो बैग लेके आ रहे हैं हम लोग। बैग लेके खुद लेके आ। तू बेटा प्रेग्नेंट है इसीलिए ना? फिर बता, वरना दौड़ के बैग लेके आता। It's because of me, Sharon. हाना, I'm so sorry. वो सब छोड़ो, वो बातें पुरानी हो चुकी है। तुम रो क्यों रही हो? हाँ हाना, डोंट क्राई प्लीज, डोंट क्राई। यू आर मेकिंग मी इमोशनल हाना। लुक आई एम प्रेग्नेंट नाउ, विल गेट अ बेबी। You'll come to see the baby, right? Next time when you come, we'll have a baby. आंटी, अंकल हमेशा ऐसे खाना बनाने में मदद करते हैं क्या? ऐसे ही कभी कभार, मेहमान हो तो। मदद नहीं करूंगा तो खुद पकाना पड़ेगा। अंकल एक बात पूछूं, ये रबर की खेती में फायदा होता है क्या? काहे का, पहले अच्छी कमाई हो जाती थी, अभी कुछ खास नहीं। पेड़ में कुछ बचा होगा तब ना। अगर ऐसा है तो आप पेड़ बेच क्यों नहीं देते? मैं तो बेच दूं। तो फिर? लेकिन लेने वाला हो तो बेचूं। अंकल आपको क्या कीमत चाहिए? बोले तो सही। तू किसी को जानता है? और नहीं तो क्या, बहुत लोगों को जानता हूँ मैं। अच्छा, बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले सब्जी छीलिए। महफिल जमी है यहाँ पर। तेरे जैसे सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करके खाने का वक्त होने पर हाथ धोकर टेबल पर बैठने वाले लोगों में से नहीं है हम। तू यहाँ किस लिए आया मुझे पता है। तू यहाँ क्यों आया मुझे भी अच्छा तो पता है। बेटा तुम किसे ढूंढ रहे हो? है? नहीं वो है ना, और शेरिन नहीं दिख रहे तो इसलिए देख रहा था। अरे वो दोनों बाहर बैठ कर बातें कर रही है। खा ले खा ले। खाना ठोसने टाइम पे आ जाना। आ जाऊंगा। लैला का मजनू। अरे ये क्या, ये रोना धोना क्यों चल रहा है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं लुई, जब से आई है तब से पागलों की तरह रोई ही जा रही है। तकलीफ तो होगी ही ना, आप बिना बताए इन्हें छोड़कर आ गई। अब तो मिल गई ना, खुश हो जाओ।
बात हुआ नहीं है लुई। It's because of me, शरण जी बोटी छोड़ दिया। ऐसा क्यों? ये सब लुई मेरी वजह से हुआ है। अरे, ये कैसे हो गया? ये सब पुरानी बातें हैं। तुम लोग चलो, खाना तैयार हुआ कि नहीं देखते। आओ। मम्मी, खाना तैयार हो गया? ए, रो मत। अरे सब लोग देख लेंगे। रो मत। अरे रो क्यों रही हो? ए, अंकल आंटी देख लेंगे। शरण कितनी खुश है तुम्हें देख। बस बस रो मत। बस 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 हो गया इतना? अरे बस बस पानी मिलाकर पियो, लीवर सूख जाएगा। वो क्या है, ठंड है ना अंकल? हाँ मस्त है। एक दिन में कितना पीते हो? कुछ फिक्स नहीं है, कभी देसी कभी विदेशी, जो मिल जाए। अच्छी कंपनी हो तो मैं 2-3 मार लेता हूँ, कंपनी बुरी हो तो मैं एक में ही खत्म कर देता हूँ। वो क्या है, तुम लोगों का लीवर बहुत नाजुक होता है, पीना है तो हिसाब से, इसलिए मैं ज्यादा नहीं पीता। लुई, यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? आर यू बोर्ड? नहीं नहीं, है ना। तुम वापस कब जा रही हो? After 2 days. Oh. अब तो यहाँ वापस आना नहीं हो पाएगा। हाँ? नहीं, वो शेरिन से मुलाकात हो गई ना, वापस आने की वजह नहीं है, इसलिए पूछा। अरे बेटा लुई, एक पैक बनाऊं क्या तुम्हारे लिए? नहीं चाहिए। अरे सुन, एक पैक तो ले। नहीं नहीं, तू पी। Why don't you go with them? पीते नहीं हो क्या? पीता तो हूँ, पर आज मूड नहीं है। अंकल आप छोड़ो ना, ये भी रख दो। हाँ बिल्कुल, वो सब उठा लेगा। ये ले, हाँ रख दे। Really? डिलीवरी के टाइम तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। That's nice. एक बार आ गए तो शायद यही सेटल हो जाए। अच्छा। तेरे को बड़ी जल्दी है, मदद कर। छोड़ दो, ये भी ले लो। तो इनकी वजह से रखो, ऊपर से सामान भी उठाओ। बड़बड़ मत कर, यूं का सामान है रख ले तो खाओ। ये रह गया, ये थोड़े पकौड़े हैं, रास्ते में खा लेना। ये पकड़। एक मिनट, मैं चलती हूँ शरण। अच्छा निकलते। अच्छा अंकल आंटी शेरिन, बाय। क्या चल रहा है तेरा? सुट्टा फूक फूक के मरने का इरादा है क्या? कुछ नहीं यार। क्या कुछ नहीं, जरा मेरी ओर देख। मैं तुझे शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ क्या? अबे बचपन से जानता हूँ तुझे। देख, इस लड़की का भाड़ा हमने नौकरी के लालच में लिया है, इसके बीच प्यार को घुसेड़ के रायता मत फैला देना। सही कहा, सबको अपना फायदा ही दिखाई देता है, दूसरों की तकलीफ किसी को दिखती ही नहीं है। हाँ नहीं दिखती है, मुझे किसी भी हाल में नौकरी चाहिए। सुन मेरी बात सुन, तू इतना तो जानता है ना, वहाँ पे डॉलर्स मिलेंगे, डॉलर्स को समझा? उसने शाम को मिलने के लिए बुलाया, सिर्फ उससे मिलके मत आ जाना, काम की बात भी करना। मजनू कहीं का, इस जगह पे दूर दूर तक लड़कियां नहीं दिखती। ओए सुबह आईने में अपनी शक्ल देखी थी ना, प्यार करेगा। गाड़ी में बैठ। इतना सुट्टा फूकता कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए।
दिस सनसेट इज वेरी स्पेशल टू मी. ऐसा क्यों? उसके दो तीन रीजंस है. ओ, वो कुछ दिन और रुक जाती तो ऐसी कुछ स्पेशल जगह मैं आपको दिखा सकता था. नाउ इट्स ब्यूटीफुल, कुछ स्पेशल मेमोरीज एंड दैट्स इनफ. बस उतना थोड़ा ही है. अब जैसे शेरिन और बाकी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सब लोग यहीं पे हैं ना, जैसे वो मेरी मम्मी, दादी और कौन, और एबी, एबी और मैं. मैं कहने में तुम इतना क्यों किचकिचा रहे हो, बोलो. नहीं नहीं, यहाँ पर आने वाले सब लोगों से हमारी फ्रेंडशिप हो जाती, बस वही कह रहा हूँ. मेरी फ्रेंडशिप से तुम्हें क्या बेनिफिट है? ऐसे बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे नए नए लोग यहाँ आते हैं और मुलाकात होती है, उन्हें ऐसी जगहें घुमाकर दिखाते हैं, फिर इस तरह के सनसेट याद करके हम लोग खुश हो जाते हैं, बस और क्या. तुम्हारा विदेश जाने का कोई प्लान नहीं क्या? आई मीन गो अब्रॉड फॉर अ जॉब. विदेश जाके चार पैसे ज्यादा कमा लेंगे और क्या, अपने देश में राजा की तरह जीने से बेहतर कुछ नहीं. उतना ही नहीं है, मेरे जानने वाले, मेरे अपने सब लोग यही तो हैं. ओह, तो ये बात है. आई वॉज प्लानिंग टू टेक यू बोट टू जिबूटी. मुझे लगता है कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है. एबी को तो है. अरे ऐसा नहीं है, वो क्या है, विदेश जाने की कोशिश तो सब लोग करते हैं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है. विदेश जाना तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा. लेकिन तुम्हारे चाहने वाले तो सब यहीं पर है ना. उसमें क्या है, वहाँ पे जाने के बाद जानने वाले बन जाएंगे, वो भी रिश्तेदार की तरह हो जाएंगे बाद में, बहुत इजी है. अरे यार, इट्स इजी फॉर यू. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. ये अपने जिबूटी में सनसेट इतने खूबसूरत होता है? होता ही होगा. अगर सब काम मुझे ही करना था तो तुम्हें काम पर क्यों रखा है मैंने? देखो, तीन दिन में अगर ये काम तुमसे पूरा नहीं हुआ ना, तो अपने गांव लौट जाना तुम. हम दोनों के लिए यही अच्छा है. राह चलते गधों को अगर ऑफिस में बैठाओगे ना, तो तुम्हें यही झेलना होगा. ये लो दूसरा सरदर्द. सुभाष, अरे हाँ बोलना. नहीं नहीं, मैं बस ऑफिस पहुंच ही रहा हूं. तब मैंने कहा था ना तुमसे, हमें बस लगभग 3 महीने और लगेंगे, तब तक जरा वेट करना. नहीं ऐसा नहीं, मैंने कोशिश नहीं की. वो क्या है, तेरे और विनीश के बारे में मैंने पहले ही बात की थी. हाँ, उसी बीच एचआर मैनेजर के कारण कंफ्यूजन हो गया. दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस 2 महीने वेट करो. अरे मेरे कोशिश करता हूँ बोलते ही तुमने नौकरी से रिजाइन क्यों कर दिया मेरे भाई? वहां के बॉस के पैर पकड़कर वापस नौकरी ज्वाइन कर ले, यहां का होने तो दो. ठीक है, मैं कॉल करता हूं. थॉमस, तू बस दुनियादारी करते रहे. नौकरी मिलने पर कितना अच्छा लग रहा है ना. हाँ तुझे तो लगेगा ही, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा. ऐसा क्यों? अरे मैं ड्राइवर हूँ और तू साइड सुपरवाइजर. मुझे नहीं ड्राइवर बनना. अभी तुझे कहा ना, 1 महीने की बात है, यहाँ नौकरी खाली नहीं है, जैसे ही खाली हो जाएगी तुझे मिल जाएगी.
ड्राइवर है तो क्या हुआ? गांव में क्या कर रहा था? उसमें क्या है? ड्राइवर की नौकरी खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। फिर गांव में भी यही कर रहा था, यहाँ भी यही कर रहा हूँ, थक गया हूँ मैं स्टेरिंग घुमा घुमा के। अरे कुछ दिन की तो बात है, नया काम भी तो नहीं सीखना, ड्राइविंग तो तुझे आती ही है। अच्छा है ना, कर ले चुपचाप। अभी तुम जाओ ठीक है? हेलो, हे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ज्वाइन कर लिया ना? कांग्रेट्स। थैंक यू। तुम्हारे गांव का क्या नाम बताया? हम विलक्कमला। विलक्कमला, अरे जानता हूँ, मेरी बहन का ससुराल कटपना में। अरे वो तो पास में। अच्छा, और आप कहाँ से? कोनी। कोनी? अरे गए हम। अच्छा, अच्छा यहाँ पे आसपास घूमने के लिए कोई जगह? अच्छा, यहाँ घूमने आओ क्या? अरे नहीं सर, छुट्टी के दिन घूम सकते हैं। ऐसे ही पूछ रहे, घबराओ नहीं, सब बताऊंगा। वैसे सर, यहाँ का हिसाब किताब आप ही देखते हैं? हिसाब किताब मतलब? मुझे पैसों के बारे में पूछना था। अच्छा, अकाउंटेंट। वो हमें डॉलर्स मिलेंगे या? पहले तुम्हारा काम देखेंगे, फिर सोचेंगे डॉलर, फ्रैंक या तुम्हें वापस भेजना है। अरे मजाक कर रहा हूँ। वैसे ये सब क्यों पूछ रहे थे? हेलो सर। हाय थॉमस, गुड मॉर्निंग, दीज आर माय फ्रेंड्स। हाँ मैंने लिस्ट देखा था, एबी होना तो। मैं जी, मैं लुई, ये एबी। क्या बोले, कौन से गांव से हैं आप? बताना जरूरी है? नहीं बता देते तो। तो मैं चलूं? जी सर, बाय। छोटे सर, बड़े सर थोड़े खड़ूस नहीं लगते? अभी अभी आया है और बॉस की गलती निकालनी शुरू कर दी। ए, वो अच्छे इंसान है, ज्यादा बकबक नहीं करेगा तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। क्यों फालतू बकवास करता है? रहने की जगह तो अच्छी है माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना? हाँ वो भी अच्छा है, अपने यहाँ जैसा ही है। लुई, आंटी जी है क्या? ये भी है, उसको क्या प्रॉब्लम, मजे में है यहाँ। और हाँ, मैंने सुदीश से बात की थी, वो आता है तो उसे गाड़ी की चाबी और गाड़ी के पेपर्स दे देना। पता नहीं क्या चल रहा है। तो मैं रखता हूँ, उसे पूछा है बोलना, बाद में फोन करता हूँ। लोई जरा बात सुन, तूने उस गधे सुदेश के हाथ में तेरी गाड़ी देने से पहले ठीक से सोच लिया है ना? उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, बस जोशी भाई ने अगर उसे इलेक्शन के काम के लिए बुला लिया तो वो गाड़ी छोड़कर उनके पीछे भाग जाएगा। वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो दिमाग से काम करता है। सुना है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन गया। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट बन गया। दूसरों की बुराई करने में बहुत मजा आता है ना तुझे? क्या बोला? कुछ नहीं बोला। तू आ रहा है क्या? फिर अकेला जाएगा? अरे मैं क्या फालतू में रेडी हुआ हूँ? अरे वाह, देख कैसे चकमा दे रहा है। अरे वाह वाह, क्या बात है। एबी, एबी, कैसा लग रहा? हाँ ठीक ही लग रहा है। हा? क्या मतलब, देखना तुझसे अच्छा दिख रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़, मैं सोच रहा था कि क्या? यार यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं। अरे यहाँ तो अमेरिका के, फ्रांस के, हर देश के लोग हैं। इधर ऐसे गली में फुटबॉल खेलने वाले हमारे गांव में आकर टूर्नामेंट खेलते होंगे। टूर्नामेंट? ये ऐसे ही खेलते खेलते ना वर्ल्ड कप तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, अरे इनको अच्छा सपोर्ट मिलता है, ऊपर से इनकी सेहत देख कितनी तगड़ी। हाँ। वो उसको देख। और दौड़ में भी ये लोग बहुत आगे। हाँ। ये सब अपने बस का नहीं। तुम दोनों को घर के सामने खड़े रहने को कहा था ना? मैच हो रहा था तो देखने आ गए। चलो जल्दी आ जाओ। चल चल। हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। वीकेंड के मजे ले रहे हो? हाँ। काम बढ़ जाएगा ना तो तुम दोनों को खाने का टाइम भी मिलेगा। हाँ वो चलेगा, आओ बैठो। कम कम। थके सके भाई। मुझे क्या करना? Oh!
तुम लोग ठीक हो ना? गरम चाय का चटका लगा बस। आप एक मिनट और लेट आते तो हमें चार कंधों पे जाना पड़ता। हमें जान से मारने का प्लान बना कर आए थे। सौदे तो ठीक है, सब लोग जाओ, तुम दोनों मेरे साथ चलो। आप जानती रही है दुबई सऊदी कतार कहाँ का की नौकरी नहीं ढूंढ के लाया मैं इसके लिए, लेकिन इसे कोई भी अच्छी नहीं लगी। सैलरी कम है, काम ज्यादा है, और क्या बोला था, ओह रहने की जगह ठीक नहीं है। जिबूटी के लोगों से मार खा के आप शांति मिल गई होगी। हमें कुछ हुआ तो है नहीं, फिर क्या? हाँ तुझे तो कुछ नहीं हुआ, जो हुआ सब मुझे हुआ। हा? अरे इस तरह के पागल तो हर जगह मिलते हैं। इसके जैसे इन दोनों को वर्कर क्वार्टर्स पे रखना मुझे इतना सेफ नहीं लगता। आई थिंक वी शुड लुक फॉर अनदर प्लेस फॉर देम टू स्टे। रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढना मतलब तुम्हें अंदाजा भी रेंट कितना होगा? कंपनी इन दोनों के लिए इतना रेंट नहीं दे पाएगी। नॉट एट कंपनीज एक्सपेंस, एट माय एक्सपेंस। क्या तुम खुद खर्चा उठाओ? यस। बात यहां तक पहुंच गई है, मुझे शक तो होने लगा था। वैसे आपको शक कैसे हुआ? गरम खून है ना। सुनो नोबल सर छुट्टी पर गए हैं ना, तो इन्हें वहां रख सकते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा ना जय, नोबल को वापस आने में 15 दिन तो लगेंगे। हाँ। तब तक ही वहां रह लेंगे। हाँ। तुम नोबल को फोन करो, मैं कर दूंगा। अभी करता हूं। अरे कहाँ जा रही हो? Get inside। कहाँ जाना है? सुबह तो बड़े ताव में कहा था कि मुझसे मिलना है, अब गाड़ी में कहाँ जा रहे हैं? इसे खत्म कर लेता हूँ। Will you please get inside? क्या हुआ क्या है? तू तो और चिकना होते जा रहा है, ये बाल ऐसे चपट क्यों काट रहे? चुप कर। अरे सर हम जा कहाँ रहे हैं, कुछ तो बताइए। ए लुई कुछ बोल रहे हैं तो अभी बोल, 5 किलोमीटर बाद ये रास्ता खत्म होगा फिर सोमालिया आएगा। हाँ, तुझे वहीं पे छोड़ देंगे। वो मैं आपकी बातचीत खत्म होने का वेट कर रहा था। देख बेटा ज्यादा फुटेज मत खा, जो भी बोलना है जल्दी से बोल दे। लीव या लोन, ये दोनों चीजें तुम मुझसे मत मांगना, मेरी पहले से ही बहुत हालत खराब है। नहीं ऐसी बात नहीं। अरे
जो बोलना बोल देना, टाइम पास कर रहा है। थॉमस सर, अपनी हैना है ना? हैना को क्या हुआ? हैना प्रेग्नेंट है। कुछ तो बोलिए सर। कुछ भी बोलूं तो चलेगा? ये ले, कांग्रेचुलेशंस। और क्या सर, तू उस दिन छोटी चड्डी में उसके साथ रूम से बाहर आया था, तभी मुझे लगा था ऐसे ही कुछ हुआ होगा। ये कब से चल रहा है? अरे इसका चक्कर बहुत दिनों से चल रहा है, हम सब तो उल्लू के पट्टे हैं। अबे मुझ पे चिल्लाने से क्या होगा? एक लड़की को प्रेग्नेंट करके तू दादागिरी मत दिखा। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। शादी कर रहा हूँ उससे, तुझे क्या प्रॉब्लम? क्या क्या बोला? तो जब शादी करनी है साले, तेरी शादी नहीं तेरी पिटाई करनी चाहिए। सर पहले आप मारिए। मुंह बंद कर। तुम दोनों को नौकरी देने के लिए मेरी पिटाई होनी चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं आप। थॉमस सर, अब हो गया, हमने जानबूझ के नहीं किया। करने के बाद सभी लोग कहते हैं कि मैंने जानबूझ कर नहीं किया, बस हो गया। अरे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। पर हम दोनों तो बालिग है ना, शादी करके साथ में रहना चाहते हैं, कोई नियम थोड़ी तोड़ रहा हूँ। तू हमें नियम सिखाएगा? ये इंडिया नहीं है, जिबूटी है। बिना शादी के लड़की प्रेग्नेंट हुई ना तो तुझे जेल हो जाएगी। तू अकेले जेल जाके चक्की पीस, मैं साथ में नहीं आऊंगा। थॉमस सर, मेरे लिए टिकट निकलवा दीजिए, मुझे गांव जाना है। जेल जाने की नौबत ही नहीं आई, उससे पहले ही हम सब मरेंगे। वो कैसे? उसका एक भाई है रजाक, नाम सुना है? हाँ सुना है। तूने तो सिर्फ सुना है, हमने देखा है। एक नंबर का लफंगा है वो, हम इंडियन लोग उसे फूटी आंख नहीं सुहाते। और सुन, इस हैना की ना एक इंडियन दोस्त थी, शेरिन। शेरिन, हम उसके घर गए थे ना, देखा है उसे, पता है? उस लड़की का एक पैर नहीं है, वो तुझे पता है? हाँ पता है। वो पैर टूटा कैसे तुझे पता है? एक्सीडेंट हुआ था ना। एक्सीडेंट? बिना कुछ काम किए माँ बाप के पैसों से दारू और ड्रग्स का नशा करने वाले बहुत लोग हैं, उनमें से एक है ये रजाक। शेरिन नाम की लड़की से रजाक ने छेड़खानी की, हैना ने जाकर उसे भला बुरा कहा। What did you do to her? You know she's my friend, right? How dare you? Hello, stay out of this. What the f- you joke? Talk to me with respect, Rizal. Don't try to talk to me. I'm telling you not to interfere. You're crossing your limits, bloody old. So you have the courage to talk to me like this? Get lost. How dare you? Not my brother anymore. Will not let you walk me. Are you okay? Rizal! Hey! Hannah, are you okay? Okay, Sharon. Hey! Get away, you! सबके सामने जब उसने रजाक को थप्पड़ मारी तो इस बात का बदला उसने शेरिन से लिया। Show me once. It's okay. Once she checks, she let me. All right, send me the copy. Yeah, I'll do that immediately. No problem. You relax, Sharon. Okay, then I'll see you tomorrow. Okay, enjoy. Bye. Bye. Take care. See you. ये रजाक अभी कहाँ है? हेलो, क्या जय? वैसे प्यार प्रेगनेंसी के मामलों में घर वालों को गुस्सा तो आएगा ही, फिर चाहे वो इंडिया की बात हो या फिर जिबूटी की। इसलिए तुम टेंशन मत लो। क्यों है ना सर? फिर भी पता चलते ही घर में बताने की क्या जरूरत है? इसने कुछ नहीं बताया, पता नहीं इसकी माँ को कैसे पता चल गया, उन्होंने रजाक को बताया। थॉमस सर, अब इसे घर तो भेज नहीं सकते, अगर भेज दिया तो हो सकता है मैं दोबारा इसे देख ना पाऊँ। तुम इस बात की फिक्र मत करना, इसे मैं संभालूंगी, ये यहीं रहेगी। एलोई यार, तेरी जिंदगी में सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, चट मिले पट प्यार और फटाफट बच्चा, अब तो तू सेटल भी हो रहा है। तेरी तो बिना खेले लॉटरी लग गई।
क्या कर रहा तेज भगा? सर वो अंदर। लुई, are you okay? हाँ मैं ठीक। What happened, लुई? अरे कुछ नहीं। What happened? अब जब आया तब घर की हालत ऐसी थी। जय, अब हम नोगुन को क्या जवाब देंगे? सर आपको इस बात की टेंशन है? हाँ मुझे इस बात की टेंशन है। नोबल सर जब तक आएंगे तब तक हम ऊपर पहुंच जाएंगे, वो भी जले पासपोर्ट के साथ। ये देखिए। सर डुप्लीकेट पासपोर्ट तो बनवाए जा सकते हैं। हाँ। उसके लिए एम्बेसी के थ्रू जाना होगा, कुछ दिन लगेंगे, वहां जल्दी काम नहीं होने वाला। तब तक यहां से दूर रहने की कोई जगह मिल सकती है? इन हालात में हमारा यहाँ रहना सेफ नहीं सर। अरे दूर जाकर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसके हेल्थ का भी तो सोचना है। एक फ्रेंच डॉक्टर का क्लिनिक है, वो यहाँ बेस कैंप में डॉक्टर थे। अच्छा। कसिनो में पहचान हुई थी, उन्होंने वहां मिलिट्री से रिटायर होने पर क्लिनिक शुरू किया और वहीं सेटल हो गए। अकोमोडेशन की बात मैंने की है, क्लिनिक के पास का ही कोई कमरा वो हमें दिला देंगे ऐसा कहा है।
चाचू उठाएंगे। लुई, यहाँ आए हुए बहुत देर हो गई है, चल घर चलते हैं। तूने एक दिन कहा था ना कि मेरी जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है, उससे मिलना, उसे अपना बनाना, बाप बनना और फिर उसका मुझे छोड़ के चले जाना। सच कहूं तो ये जगह तेरे लिए मनहूस है, इस जगह ने तुझे सिर्फ दर्द ही दिया है। पर बच्ची भी तो दी है। इसके पासपोर्ट के बारे में बात हुई सर से? तुझे यहाँ के प्रॉब्लम्स तो पता है, थॉमस सर पूरी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन लगता नहीं मिल पाएगा। उनसे कहो कोशिश ना करें, क्यों ना उस एजेंट से जाके मिले, क्या नाम था उसका, अली हाँ? मिलना ही है यार, और कोई रास्ता भी तो नहीं। लुई कितना प्यारा है, अब हम नहाएंगे ना, है ना, अब हम नहाएंगे। इतना क्या सोच रहे हो, नहीं अब अच्छे कपड़े पहन ऐसा कुछ नहीं जाएंगे, ठीक है। हम आपके लिए बोझ बन गए ना? हाँ बहुत बड़े बोझ हो, है ना गुड़िया। ये है इसलिए हमारा वक्त कट जाता है। अब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, ठीक है। ऑफिस से फ्री होने के बाद भी ये घर नहीं आते थे, अब देखो भाग कर आते हैं, है ना गुड़िया। है ना भाग कर आते हैं ना दीदी, गुड़िया से इसका पासपोर्ट भी नहीं बन पा रहा है और फिर यहाँ के नियम और पुलिस, ऊपर से रजाक, इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया हूँ। इसीलिए इतने महीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम टेंशन मत लो, इसे हम संभाल लेंगे। अरे देखो कैसे हंस रही है, हाँ पापा को कह दो कि टेंशन ना ले, है ना मेरी चुटकी। वो कहाँ है एबी? वो कुछ सामान खरीदने गया हुआ, कोई गाँव जा रहा है क्या? सर आप कुछ बोल नहीं रहे? एक इतनी छोटी बच्ची को लेकर बिना पासपोर्ट के जहाज में जाना, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं, बच्ची को छोड़ के चला जाऊं? इसका पासपोर्ट बनवाने की आपने भी कितनी कोशिश की, बन पाया क्या? अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इन्होंने कोशिश नहीं की इसलिए पासपोर्ट नहीं बना। नहीं दीदी मेरा वो मतलब नहीं था। लुई बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, माँ अभी जिंदा नहीं है और तुम लोग लीगली मैरिड भी नहीं हो, तो फिर कहाँ से बनेगा पासपोर्ट, तू बता। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, समंदर के रास्ते जाएंगे तो पासपोर्ट नहीं चाहिए। पासपोर्ट वहाँ पे भी लगता है? नहीं लगेगा, बीच समुंदर में जहाज पर चढ़ने में अली मदद करेगा। ओ, तो ये सब तुम्हारा आइडिया है? नहीं दीदी मैं तो, दीदी आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा खतरा नहीं। हाँ। हम अगर वहाँ जाकर अपनी गाड़ी और कुछ पैसे दे दें उन्हें तो वो हमें गाँव पहुँचा सकते हैं, ये उनका रोज का काम है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ अनजान लोगों पे भरोसा करके फंस मत जाना। तो ठीक है आप ही कोई रास्ता बताइए, मुझे अपनी बच्ची के साथ गाँव जाना है, अब जो कहेंगे करूंगा। बच्ची तेरी है ना, जो ठीक लगे कर। बुढ़िया का सामान ठीक से रख। हाँ ठीक है। लुई सब ठीक है? हाँ सब हो गया सर। तेरा पासपोर्ट और पेपर्स? हाँ वो सब है। तो वक्त जाया मत कर, निकलो
एक सेकंड। अरे ये सब नहीं चाहिए। अरे सर, कैसे नहीं चाहिए, रख ले, आगे भी तो पैसे लगेंगे तुझे। ठीक है, सुनो बच्ची उसे दो। आ जाए, टेंशन मत। ओके, चलता हूँ। संभल कर जाना, टेंशन मत लेना जी। सर ओके, सब ठीक होगा, संभल कर जाना। अच्छा दीदी, चल। सामने देख, एक मिनट गाड़ी रोक, फंस तो नहीं जाएंगे, वापस जाएंगे? अब कोई फायदा नहीं, इन लोगों ने गाड़ी देख ली है। तो फिर चल। गो 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 गो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। टनकार नेशनलिटी? हो हु इज दिस? पैसेंजर सर। पासपोर्ट? ले पासपोर्ट दे। Here. You also Indian? Where are you going? Adelu. Okay. Nice journey. Okay. Thank you. Thank you. तूने तो कहा था रास्ते में चेकपोस्ट नहीं है, अभी पकड़े जाते तो क्या होता? अरे इस चेकपोस्ट के बारे में अली ने बताया था, उसने कहा था यहाँ पे ज्यादा सख्ती से चेकिंग नहीं होती, आसानी से निकल जाएंगे। देख सामने देख, ये हरामखोर हमारा पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ेगा। चल जल्दी कर, गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। हाँ घुमा रहा हूँ यार। चल 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 चल, घुमा घुमा। ओ ओ ओ, मेरी गुड़िया रो मत बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, चाचू अभी वापस आ जाएंगे, अच्छा बच्चा है ना, रोना नहीं। ओ ओ, रोना नहीं। ओ ओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। कॉल अच्छा बच्चा, शाबाश। लुई सुन, तुझे बुला रहा है। Où est le passeport de l'enfant? Sir, I forgot. Hotel room, baby passport. Okay, okay, okay. Toi, tu vas rester ici. Toi, tu vas aller ramener le passeport. Sir, little hurry, baby crying. Moi aussi, je suis pressé. I call the chef. Okay. मैं यहाँ रुकता हूँ, तू अभी निकल यहाँ से, लेकिन स्टेशन के आसपास ही रहना, रात तक हम कुछ नहीं कर सकते। Oh.
हाँ बोल भाई। अरे यार मैं कितनी देर ऐसे अकेले यहाँ रुका रहूंगा? जरा अंधेरा होने दे, उसके बाद कुछ करते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? फिलहाल तो स्टेशन से थोड़ा दूर रहे और उस रजा की नजर से बच के रहना, वो अपनी गाड़ी पहचानता है। ठीक है अकेले जाएगा, मैंने लिए पासपोर्ट ऑन द वे। हाँ बोलना। अरे लुई वो मेरे पीछे ही है। वो तुझे कुछ नहीं करेगा, उसे सिर्फ मैं और मेरी बेटी चाहिए। तो एक काम कर, 10 मिनट में स्टेशन के पास पहुंच। हाँ ओके। और सुन थोड़ा संभल कर रहना। ओ ओ ओ सर व्हाट टॉयलेट बेबी चेंज इनसाइड 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 या थैंक यू। ओ ओ मेरी गुड़िया। यहाँ से वो कैसे जाएंगे? ये ले, ये ले, ये ले। जाके पूछ किसी से। पूछने के लिए यहाँ कोई होना भी तो चाहिए। आसपास कोई तो होगा। हेलो ओबोक ओबोक अबा दिस साइड उस तरफ देर ता जरा धीरे चला। देख वहाँ एक दुकान है। रुक 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 बिस्किट और पानी ले लेते। बिस्किट और पानी तो पीछे सीट पे रखा है। सिगरेट पीनी है यार। ओहो तो ऐसा बोलना। गुड मॉर्निंग। सिगरेट पैकेट पैकेट। हाँ निकल। Yeah.
going, Ali, yeah. tell you. Yes. Welcome. Baby, तुझे पक्का पता है ना यही है, किसी और को पैसे देके फंस गए तो? अली ने बोला था गोरा मोटा आदमी मिलेगा, यही आदमी है। सर या मनी आई हैव यस दैट्स गुड। हाउ आर यू? गुड सर। कम टू माय होम, कम। गोरा मोटा यही है। Think you struggle to come so far. Well, the actual journey starts now. That's where we are heading. That's our ship. Oh, damn it! Adam! Tan! You go fast! Yo! The Coast Guard is escorting the Spanish ship to the Somalian border. Sir, when? What will we do? Relax. Don't worry. You can stay here till the next ship comes. Take this. Okay? Okay. Guys, it's a safe place. Sir, when next ship coming? I will check the schedule of the ship and come back to you. Don't worry. Until then, you stay here. Wait for me. Okay? Sir, please come fast. Sure. I'll be back tomorrow. Okay? See you. Bye-bye. इतना क्या सोच रहा है भाई? दो दिन से यहाँ पड़े हुए हैं यार, मुड़ के देखने भी नहीं आया हमें। अरे अभी अगले जहाज का शेड्यूल नहीं हुआ होगा। दिमाग खराब है, हमें धोखा दे दिया उन्होंने। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अली ने कहा था ना, आर्थर हमें आराम से पहुँचा देगा। हमें बेवकूफ बनाया उसने,
हमारा पैसा लेके हमें यहाँ फेंक के चला गया। हम यहीं मर जाएंगे। ये भी ना। The ship. They are waiting from there. See? Yes. That is ship? That's the red ship. Color? Yes. से पकड़ना। ओके ओके रिलैक्स, वन स्टेप एट अ टाइम, केयरफुल, कम ऑन कम ऑन, ओके गुड गुड गुड, होल्ड इट अप, स्टेडी द लैडर। ओके डोंट लुक डाउन, केयरफुल, कीप गोइंग। डर मत, गो कीप गोइंग, समझ कर पैर रख। ये भी नीचे मत देख, पैर संभाल के। पकड़ पकड़
क्राइम यार पढ़नालों क्राइम था कारण ये नवायर इंदालों कोड़ा पर पुलिस कारण अदा अपनी दा पाक मुड़ियो अपनी दा पाक नो सर मेरे लिए बहुत कुछ सहा है इसने इसे और मेरी बच्ची को जाने दीजिए ना बिल्कुल नहीं अब तक की भाग दौड़ हमने एक साथ की है और अब अगर जेल जाना पड़ा तो भी एक साथ ही जाएंगे सर इस बच्चे को इस केस से दूर रखिएगा प्लीज चलो अपा वंदे इरुक्केंडा நானும் ஒரு சாதாரண மனுஷன்தான் வீட்டுக்கு போய் யூனிஃபார்ம் கழட்டினேன் நானும் ஒரு 6 வயசு குழந்தைக்கு அப்பா தான் நீங்க இங்க வரவும் இல்லை நாங்க உங்களை பார்க்கவும் இல்லை ஐயா நான் உங்களை விட்டுட்டு வரட்டுமா நாங்க கொண்டு போய் விடுறோம் சார் நீங்க எங்கடா போறீங்க நாங்களும் மனுஷன் தாங்க சார் ஆமா ஆனா ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு அவங்க போட்டோம் நான் அப்புறம் சொல்றேன் தேங்க்யூ சார் அச்சா